भारत ते चीन विचकारले खटास दे रिश्तियां दे इतिहास दे इस पहलू विच असी गल करांगे भारतीय बहादुर जवानां बारे। बहादुर सिपाही कांशीराम ने जो बहादुरी दिखाई उसका वर्णन करना जरूरी है। एक घटना इस रेजिमेंट दे इतिहास दी एक दिलचस्प जुर्रत वाली अते हैरानी भरी दास्तान है। 10 अक्तूबर 1962 ईस्वी नूं 500 दे लगभग चीनियां ने नेफा विच तसेन जोंग चौकी ते हमला किया। दुश्मन की सख्त गोलाबारी का ख्याल ना करदिआं सिपाही कांशीराम ने अपनी हल्की मशीन गन चालू करके चीनिया का भारी नुकसान करन तो बिना अपनी चौकी के अगले हिस्से नूं भी छुपाई रखिआ। वह आप एक मार्टर बंब के टुकड़ियां नाल जख्मी हो गया जिहड़ा उसके मोर्चे के नेड़े ही फटिआ सी। दुश्मन का हमला पछाड़न तो बाद उहदी मल्लम पट्टी की गई। जख्म डूंघा होने के कारण कंपनी कमांडर ने कांशीराम नूं पिछा चले जाने की सलाह दी, पर पंजाब रेजिमेंट का यह जवान कांशीराम चौकी उत्ते डटिया रहा। चीनिया की एक धाड़ ने इस चौकी उपर दोबारा हमला कर दिता अते इस वारी गोलाबारी पहला नालों वधेरे सी। कांशीराम की दृढ़ता ते हौसला भी गजब दा सी। सख्त गोलीबारी के बावजूद कांशीराम ने अपनी गन चालू कर दी। दुश्मन चौकी वाल अगे वधदा ही गया। कुछ समय बाद कांशीराम कोल गोला बारूद भी खत्म हो चलिया तां एक चीनी अफसर चार होर जवानां समेत कांशीराम कोल पहुंच गया। कुछ समय बाद कांशीराम कोल गोला बारूद खत्म हो चलिया तां एक चीनी अफसर चार होर जवानां समेत कांशीराम कोल पहुंच गया अते मोर्चे विचले उसके जवानों हथियार सुट देने दे लई ललकारिया। सिपाही कांशीराम ने उन्हां नूं समर्पण कर देने लई कहा। इस समय तक कांशीराम का गोली बारूद खत्म हो चुका सी, पर उसने झट ही उन्हां ते एक ग्रेनेड सुटिया जिसके फटन नाल दुश्मन का अफसर ते तीन होरां नूं पार बुला दिता। एने विच दूजे चीनी भी उसके नेड़े पहुंच गए अते उन्हां विचों एक ने उसकी हल्की मशीन गन खोहण की कोशिश की अते एक चीनी ने उसते स्वै चालक राइफल नाल गोली चलाई जिस नाल कांशीराम मुड़ जख्मी हो गया। जख्मी होने के बावजूद कांशीराम ने अपनी गन काबू विच रखी अते चीनिया नूं इको दम धक्का मारिया जिस नाल ओह डिग पए। उस समय कांशीराम ने एक चीनी तो एक स्वै चालक राइफल खोई अते अपनी मशीन गन सने अपनी पलटन विच वापस पहुंच गया। यह पहला चीनी हथियार सी जो भारतीय तोपखाने के 7वें ब्रिगेड ने काबू किया। कांशीराम की इस अदुती दलेरी और सूरबीरता लई उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया। चीन ने 20 अक्तूबर सन 1962 ईस्वी को अचानक ही भारत विरुद्ध जंग छेड़ दी। यह युद्ध छिड़न के नाल पंजाब के कोने कोने विच जंगी तराने गूंजन लग पे। लगभग एक महीने की लड़ाई विच इस युद्ध के हरेक खेत्र विच पंजाबी जवानों ने भरपूर हिस्सा पाया ते अदुती सुरबीरता करतब पालन अते प्रशंसा योग अगवाई की। इस जंग विच पंजाबी जवानों ने सैकड़ों की गिनतियां विच शहीदियां प्राप्त कीतियां अते सन्मान वजो एक परमवीर चक्कर 8 महावीर चक्कर 20 वीर चक्कर 5 अशोक चक्कर अते कई विशिष्ट मैडल प्राप्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट। वधेरे खबरों लई तुसीं वेखते रहो अजीत वैब टीवी।